दोस्तों आज की इस मोटिवेशन से भरपूर वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जो एक दलित परिवार से बिलोंग करती थी, जिनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा होने के बावजूद हिम्मत और हौसलों के साथ जीती रही। और आज वही लड़की 3,000 करोड़ की कंपनी की मालकिन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल्पना सरोज की, जिनका जन्म 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के छोटे से गाँव के गरीब दलित परिवार में हुआ था, जिसके गाँव में पैदल चलने के लिए रोड तक नहीं था। आज वही लड़की उसी के नाम पर मुंबई में दो रोड है। एक ऐसा भी समय था जब उस लड़की के पास बस में चलने के लिए किराया तक नहीं था। आज वही लड़की लग्जरी कारों में घूम रही है। वही लड़की जिसके पास रहने के लिए घर तक नहीं था, आज वही लड़की बिल्डर बन के दूसरों के लिए आशियाने बना रही है। वही लड़की 2 रुपए के लिए दूसरों के यहाँ नौकरी करती, आज वही लड़की 3,000 करोड़ कंपनी की मालकिन है। 12 साल की उम्र में समाज के दबाव के आकार अड़ा के उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। उसके बाद उसकी शादी उससे 10 साल बड़े लड़के से कर दी गई। उसके ससुराल में उसे रात दिन मारा पीटा जाता। वह लड़की लगभग 6 महीने तक ससुराल वालों का अत्याचार सहती रही। एक दिन उसके पिता वहाँ आते हैं, अपनी बेटी की इस हालत को देखकर उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, लेकिन घर जाने के बाद भी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। पड़ोस के लोगों ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया। उस लड़की का अपने घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। शादी के बाद भी ये लड़की अपने ससुराल क्यों नहीं जाती। उस लड़की को इतना अत्याचार सहना पड़ा कि उस लड़की ने जहर खाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों ने उसे बचा लिया। अब उस लड़की ने या तो ठान ही लिया था कि अब मुझे कुछ न कुछ करना है, और वह अपने चाचा के यहाँ मुंबई चली गई और वहाँ एक सिलाई फैक्ट्री में मात्र 7 की सैलरी में काम करने लगी। इसके बाद उस बंदी ने सोचा कि मैं क्यों न इसी काम का बिजनेस स्टार्ट करूँ, और पहले से चल रहे गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठाया और वहीं से उस बंदी ने 50,000 रुपए का लोन लिया। इसके बाद उस बंदी ने अपना एक फर्नीचर और टेलरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। और आपको यह सुनकर यकीन हो या न हो, लेकिन यह बात सच है कि उस बंदी का यह बिजनेस दौड़ने लगा। दोस्तों, इस बंदी के अंदर सक्सेसफुल होने का पागलपन घुस चुका था। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा, कोई पागल इंसान ही इतिहास रच सकता है। उन दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें एक कंपनी का मालिकाना हक मजदूरों को दे दिया गया। उसके बाद उस बंदी ने इस बंद पड़ी कमानी ट्यूब की कंपनी को लीड करना शुरू कर दिया, और आज उसी कंपनी की ब्रांड वैल्यू 3,000 करोड़ से भी ज्यादा है।